नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी और मैं हूं दीपक कुमार तिवारी। प्रस्तुत है पब्लिक न्यूज टीवी पर बिहार की प्रमुख खबरें। पटना में पृथ्वी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने आज पौधारोपण किया। लोगों से भी उन्होंने पौधा लगाने की अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। राजकीय अतिथिशाला में आंवला वृक्ष का रोपण किया गया। हम लोग आज की तारीख को पृथ्वी दिवस के रूप में बिहार में शुरुआत कराए 2011 से, और आपको मालूम है कि बिहार की जो स्थिति थी, झारखंड और बिहार अलग हो गया, तो उसके बाद कभी इसका लोगों ने सर्वेक्षण नहीं किया था कि क्या स्थिति है। बिहार झारखंड एक था तो किसी को चिंता नहीं होती थी कि साहब काफ़ी है, वहाँ वृक्ष भी है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो था। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने सबसे पहले उसका एक एक चीज़ दिखवाया कि चाहे जंगल हो या बाहर हो, कुल मिलाकर के मैक्सिमम ग्रीन कवर तो 9% ही था। तो हम लोगों के लिए बहुत चिंता थी कि इसको धीरे धीरे करें, बढ़ाएं। तो वही 11 में हम लोगों ने पृथ्वी दिवस और शुरुआत करके एक तय किया कि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हम लोग कराएंगे, और उसके लिए 24 करोड़ वृक्ष का लक्ष्य निर्धारित किया और निरंतर उस काम को लगातार करवाते रहे। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 134 आवेदनों का निष्पादन किया। इस मामलों का उन्होंने सुनवाई की, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झगड़े को सुलह कराने गए एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले बच्चों के बीच विवाद हुआ था, इसी विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। समझौता के दौरान दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। युवक के बाएं हाथ को भेदते हुए सीने में गोली जा घुसी। जमुई शहर के बाईपास रोड स्थित मनोज पैलेस के समीप की यह घटना है। सोमवार की सुबह इस वारदात को अंजाम दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुमंत कुमार उर्फ नीतू कुमार, जिनकी उम्र 21-22 वर्ष है, अपने उनके कुछ साथियों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। जो बता रहे हैं उनके परिजन बातें हुआ था, उसी क्रम में उन लोगों ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर कई उसी के पास उनको गोली मारी। सुपौल जिला के बीरपुर अनुमंडल के अंतर्गत बौराहा पंचायत में डीलर की मनमानी के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। इस मामले को लेकर अधिकारियों के खिलाफ भी लोग नाराज हैं। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड में भ्रष्टाचार का मामला लगातार सुर्खियों में आता जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड से जुड़ा हुआ यह मामला है, जहां कटरा बीआरसी भवन में 5 अगस्त से प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा धरना एवं आमरण अनशन का 5वां दिन था। धरना की खबर के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी आज कटरा बीआरसी पहुंचे थे। उन्होंने उच्च स्तरीय जाँच का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरनार्थी इस अनशन को आज खत्म कर सके। शिक्षकों का आरोप है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर बीआरपी के द्वारा बिना पैसे का कोई काम नहीं किया जाता है, सभी काम के बदले में अवैध वसूली की जाती है। यह जो आमरण अनशन है बीआरसी में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। हम लोगों ने पूर्व ही ज्ञापन दे दिया है, और यही नहीं, यह अनशन जो है केवल समझिए कि दोषारोपण नहीं, बल्कि इसका जो है प्रमाणिक साक्ष्य है। और इसमें जो दो दो बीआरपी हैं उनके विरुद्ध है। एक बीआरपी जो वर्षों से गायब है, फर्जी तरीके से जिनका हस्ताक्षर बनता है, और जिनको आज तक हमारे प्रखंड के कोई शिक्षक न देखे हैं, न जानते हैं, न पहचानते हैं, उन पर है। साथ ही एक अन्य बीआरपी है जो हमारे शिक्षकों के साथ जाति सूचक शब्द के साथ साथ बहुत सारी बातें हैं, अब्सेंटी में पैसे लेना, दो दो शिक्षकों को एक शिक्षक को दो दो बार वेतन देना, सारी प्रक्रिया है। उधर मोतिहारी से खबर मिल रही है, जहां चरस तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पूर्वी चंपारण के केसरिया में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तस्करी की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जिसके बाद केसरिया थाने की पुलिस सक्रिय हुई। तस्करी के करीब 8 किलो चरस एवं 3 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। मोतिहारी जिले के नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त बंजरिया प्रखंड के 10 पंचायत के साथ ही सुगौली, रामगढ़वा एवं आजापुर को जोड़ने वाली प्रमुख मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके वजह से यहां आवागमन प्रभावित है। बाढ़ की वजह से लगातार यहां सड़क टूटती चली गई, जिसके कारण से आवागमन बाधित है। राजवंशी समुदाय को भी आदिवासी का दर्जा मिले, बलरामपुर कटिहार से यह खबर आई है, जहां विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संघ के द्वारा आयोजित आदिवासियों की एक बैठक में यह मांग की गई, जिसमें पूर्व प्रत्याशी जगन्नाथ दास ने कहा कि आदिवासी पहचान को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक से जुड़े हुए आदिवासी उत्सवों में नाचता है, गाता है और इस भ्रम में रहता है कि वह आदिवासी पहचान के साथ ही जुड़ा हुआ है। गया में प्रभारी मंत्री ने कहा है कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण होना तय है।
गया जिले में उद्योगों, व्यवसाय एवं इंडस्ट्रीज नेटवर्क को स्थापित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। चिन्हित जमीन का मुआयना किया जा रहा है। मधेपुरा समाहरणालय मुख्य द्वार पर अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर एकटू एवं उसके सहयोगी संगठनों के द्वारा एक दिवसीय धरना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान CPI ने सड़क जाम भी किया और विरोध जताया। रोहतास जिले के तिलौथी थाना क्षेत्र के उत्तर पट्टी में पुलिस की छापेमारी के दौरान आरोपी मल्लू कुमार यादव की मौत की घटना सामने आई है, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने आज डेहरी तिलौथी मुख्य मार्ग पर शव को रख दिया और सड़क को जाम कर दिया। जमकर बवाल काटा गया। परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ आगजनी की और जमकर नारेबाजी भी की। मल्लू यादव के झूठा फंसाया गया है बालू चोरी में, जो इनका कोई कसूर नहीं है, CCTV फुटेज में है। इनका हम सब निकाल कर SP के आवेदन दिए हैं, DSP के आवेदन दिए हैं। हम आज 15 दिन से जांच करने के लिए 15 दिन से हम दौड़ रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। SP DSP के यहाँ भी गए हैं, अभी तक कोई नहीं आया। आज रात में अर्चना मैडम अपने सब सेना फोर्स के लेकर जाकर घर उनको छत पर से मार के नीचे फेंक दी और दूर तार के सब भागे। देखिए, आप अच्छा से जानते हैं कि अभी बहुत सारे आवेदन डेली जाँच में पड़ते हैं, तो सबका एक साथ जांच करना उतना संभव नहीं है। तो मात्र अभी 2-3 दिन पहले आवेदन इनका पड़ा था, तो बहुत सारी व्यवस्था है और उसमें बहुत सारे आवेदन है, भी उसमें थोड़ा समय लगता है और आज का डेट ही था, जांच भी किया जाएगा। सरकार के लाख पाबंदी के बावजूद सूबे में कोडी नियुक्त बिस्कोप कफ का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। मधेपुरा में कार्रवाई की गई है। मद्य निषेध विभाग ने कोडीन युक्त बिस्कोप कफ बरामद किया है। इस मामले को लेकर आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। हाईटेंशन तार गिरने की वजह से झोपड़ी में अग्निकांड की घटना हुई है और इस हादसे के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। मधेपुरा से यह खबर आ रही है। उदा किशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आलमनगर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुई है। लदमा धार के पास की यह घटना बताई गई है। तेज रफ्तार ट्रक के चपेट में आने से 5 युवक घायल हो गए हैं। इस हादसे में घायल 2 युवक को गंभीर स्थिति में पटना रेफर किया गया है। किउल नदी से जल लेने पैदल कल्याणपुर घाट जा रहे थे सभी युवक, इसी दौरान वे हादसे के शिकार हो गए। घटना के बाद भाग रहे ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। सदर अस्पताल में 3 युवक का इलाज चल रहा है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया में जुट गई है। जमुई सिकंदरा मुख्य मार्ग पर पुतेरिया गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, इन लोग कहीं बाबा पेयजल चढ़ाने के लिए उठाने के लिए जा रहा था, कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, यूजेंट जानकारी नहीं है। उसमें से 7 वो आए हैं, जिसमें गोगन कुमार जो है हेडिंग ड्यूटी है और उसका ज़्यादा हालत ख़राब है। तो सब इलाज करने उड़ने के दरमियान करने के बाद उसको अच्छी सुविधा और अच्छे जांच इलाज के लिए बाहर रेफर किया गया। गायघाट विधायक निरंजन राय ने आज मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया जाता है कि किसानों के द्वारा साल 2019-20 के रबी फसल एवं वर्ष 2020-21 के खरीफ फसलों की बुआई की गई थी। दोनों फसल ओलावृष्टि एवं भयंकर बाढ़ बरसात की वजह से किसानों के फसल बर्बाद हो गए थे। सरकार के द्वारा सत्यापन कराया गया, जिसमें पूरी तरीके से फसल क्षति पाया गया। इस बीच कोरोना संक्रमण के कारण से लॉकडाउन लग गई, सभी सरकारी ऑफिस बंद हो गए, किसानों का नया LPC नहीं बन सका, जिस कारण से किसानों ने ऑनलाइन आवेदन 1-2 वर्ष पुराने LPC के आधार पर करा दिया। लिहाजा सहकारिता विभाग बिहार पटना के द्वारा सभी आवेदन को रद्द कर दिया गया, यह कहकर अस्वीकृत किया गया कि LPC अद्यतन नहीं है, जिसके कारण से किसानों को उचित लाभ नहीं मिल सका। इस मामले को लेकर किसानों में हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी से आज गायघाट के विधायक निरंजन राय ने इस मामले को लेकर मुलाकात की, गंभीरता से चर्चा की और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने स्पष्ट लहजे में चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो किसानों के साथ RJD आंदोलन करेगा। बंदरा के मतलूपुर में पंचायत अनुसर्वन समिति की बैठक की गई। बंदरा प्रखंड के मतलूपुर में पंचायत भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुखिया प्रतिनिधि अशोक कुमार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बंदरा अंचल के आदेश पर अनुसर्वन समिति की बैठक की गई, जिसमें लाभुक के बाढ़ राहत सूची का अनुमोदन प्रस्ताव पारित किया गया। आज हम लोग की बैठक अनुसर्वन समिति 2021 बाढ़ से रिलेटिव अनुसर्वन समिति का आज बैठक किया गया है। जो लोग का GR सूची में नाम डालना है, उस दिन हम लोगों को 6 तारीख को अनुसर्वन समिति का बैठक मुख्यालय बंदरा प्रखंड सभागार में हुआ था। वहाँ से आदेश मिला था CEO मैडम के माध्यम से
जन सम्मान समिति की बैठक कर जो लोग वंचित परिवार छूट गए हैं उन लोगों को पुनः नाम जोड़ करके सबसे अनुसंबंध समिति से पास करा करके आप लोग 2-3 दिन के अंदर बंद्रा अंचल को सुपुर्द करें, इसी के लिए हम लोग आज बैठक किए हैं। बंद्रा प्रखंड परिसर में चल रहे सरकारी आधार सेंटर पर कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही है जिससे लोगों में नाराजगी है। लोगों ने यहां धांधली करने का आरोप लगाया है। आधार सेंटर कर्मी की मनमानी की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है। अवैध वसूली की भी शिकायत लगातार मिल रही है। कई बार सिस्टम ठीक नहीं होने की बात कहकर यहाँ के कर्मी प्रखंड क्षेत्र के अन्य हिस्सों में आधार कार्ड से जुड़े हुए काम को करते हैं और अवैध रूप से वसूली करते हैं। इस तरह की शिकायत अधिकारियों से कई बार की गई, बावजूद बंद्रा के अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है, लिहाजा लोगों में परेशानी है और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बंद्रा प्रखंड के हत्था पंचायत के हत्था मलाटोली काली स्थान के प्रांगण में अष्टजाम महायज्ञ की शुरुआत की गई। इस मौके पर भव्य कलश यात्रा निकाला गया। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार सोले के द्वारा फीता काटकर इसकी शुरुआत कराई गई। आयोजक मंडल के अनुसार यहां 24 घंटे का अखंड श्री राम नाम जप शुरू कराया गया है। तारापुर में नगर पंचायत से हटाया गया अतिक्रमण। तारापुर नगर पंचायत क्षेत्र के शहीद चौक से यह कार्रवाई की गई है। प्लस टू आदर्श उच्च विद्यालय तथा खड़गपुर रोड में एवं पुरानी बस स्टैंड में लोहसरी गली के समीप सुल्तानगंज देवघर सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण का लगातार शिकायत सामने आ रहा था। नगर पंचायत के प्रभारी पदाधिकारी प्रथमा पुष्पांकर ने इस कार्रवाई के दौरान कहा कि पुलिस पदाधिकारी एवं जवान के सहयोग से अतिक्रमण हटाने का काम किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं ने प्रभारी उपाधीक्षक तारापुर को आज ज्ञापन सौंपा। लंबित मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता एवं प्रभारी अधीक्षक अनुमंडल अस्पताल तारापुर को ज्ञापन दिया गया। प्रखंड अध्यक्ष प्रेमलता कुमारी के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया।